बायकॉट बायकॉट बायकॉट, ब्रह्मास्त्र का करे बायकॉट, बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार, ब्रह्मास्त्र का करे बहिष्कार। तो आखिरकार बेरोजगार बॉयकॉट ब्रिगेड को नया काम मिल गया। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को महाकाल मंदिर से भगाने वाला बॉयकॉट गैंग भोपू लेकर थिएटर्स के बाहर फिर ऐलान करने पहुंच गया कि बीफ खाने वाले रणबीर कपूर की फिल्म को बॉयकॉट कीजिए। बॉयकॉट 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 बॉयकॉट, ब्रह्मास्त्र का करे बॉयकॉट, बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार, ब्रह्मास्त्र का करे बहिष्कार। रणबीर कपूर तो बोले आई नो बीफ, तो आप सभी सनातनी एकजुट होकर के बोलिए बॉयकॉट 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 ब्रह्मास्त्र। दोस्तों अनन्या पांडे तो अपनी खराब एक्टिंग के लिए ऐसे ही बदनाम है, ये महाशय तो उनको भी पछाड़ते हुए बॉयकॉट के लिए ऐसे आवाज दे रहे हैं जैसे हर माल 5 रुपए वाले देते किसी मेले में। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, ये लोग कोई फ्रिंज एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने भी ब्रह्मास्त्र के बॉयकॉट पर कहा, असली और अंतिम ब्रह्मास्त्र सिर्फ जनता का चलता है। इसके अलावा वीएचपी नेता साध्वी प्राची कहती हैं, सनातनी शेरों को बधाई, ब्रह्मास्त्र को 2 स्टार रिव्यू मिला है। इन सारे लोगों को ना ब्रह्मास्त्र से इस बात पर शिकायत है कि फिल्म का हीरो 11 साल पहले खुद को बीफ खाने वाला बताता था, जबकि इन्हीं का फेवरेट एजेंडा फिल्म बनाने वाला विवेक अग्निहोत्री भी 10 साल पहले कह चुका है कि वो ना केवल बीफ खाता है बल्कि कहां अच्छा बीफ मिलता है वो बता भी सकता है। I have also written that the best beef you get where. Okay? I've written about so many things. I used to eat it then, I eat it now. Nothing has changed in my life. रणबीर कपूर के बीफ लव पर जब विवेक अग्निहोत्री के बीफ लव का काउंटर अटैक हुआ तो विवेक अग्निहोत्री पत्नी गली से निकलते हुए कहते हैं कि मैं तंबाकू, शराब, मीट और शुगर लेता था, मैंने एक बार छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक और ट्वीट में विवेक ने लिखा कि वो सात्विक प्लांट बेस्ड डाइट पर आ चुके हैं। तो भाई विवेक तो बीफ के मामले में खुद को बचाते हुए कट लिए, पता नहीं रणबीर को ये ज्ञान मिला कि नहीं। मैं तो कहती हूँ खामखा ये लोग बॉलीवुड की फिल्में बॉयकॉट करने में टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, बॉलीवुड की बर्बादी के लिए खुद बॉलीवुड काफी है भाई। मैंने तो ब्रह्मास्त्र देखी नहीं, लेकिन मेरे एक फिल्म क्रिटिक दोस्त ने बताया कि फिल्म इतनी एवरेज है कि कई बार आपको लगता है कि आप बच्चों वाली फिल्म देखने आ गए। जब फिल्म में दम ही नहीं तो चलेगी क्या खाक, और अगर फिल्म पिट गई तो इतने खुश होते हैं बॉयकॉट गैंग वाले कि देखो हमारी मुहिम रंग लाई, हमारी मुहिम बाद में रंग लाएगी, बॉलीवुड की मुहिम पहले ही अपने आप को बर्बाद करने पर आमादा है। लेकिन सत्ताधारी दल के नेता ही इस खास एजेंडे के तहत फिल्मों के पीछे पड़ जाएं, उसके पिटने पर जश्न मनाने लगे वो गलत है, लेकिन सही और गलत की पड़ी किसे है। हम सब तो नफरत की ऐसी अंधी दौड़ लगा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं। आप ब्रह्मास्त्र पर बीजेपी के नेता के बयान और विवेक अग्निहोत्री की पलटी पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ थैंक्स के ऑप्शन के साथ हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए।